ये जो रैली थी पर्पस एक ही था कि हम हड़ताल की डेट फिक्स करेंगे और हड़ताल का नोटिस है, हड़ताल का नोटिस है। और हमारी मुख्य मांगें थी रनिंग अलाउंसेस, जिसको हम किलोमीटर में अलाउंस भी बोलते हैं, उसमें मेरा फ्लीट का हिस्सा है, उसमें मेरा टी ए का हिस्सा है। सर आपका नाम क्या है? बोला तो मेरा नाम MM पटवारी। ओके सर, आप कहाँ से आए? इंडिया सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी। ओके सर, ओके। सरकार जैसे सर सरकार आपकी मांगें पूरी नहीं करती है, इस बारे में क्या कहना चाहिए आप? हम तो बोले आपको जी, हम लोगों ने आज हड़ताल का डेट ठीक करने वाले थे, हड़ताल में जाएंगे, लेकिन क्योंकि एक दुखद घटना हो गई है, 44 साल में हमारे आर्मी के लोग शहीद हो गए हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए, उसको नज़र में रखते हुए और रेल मंत्री का एक स्टेटमेंट, एक चिट्ठी राज्यसभा में उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर किया है, उसको नज़र में रखते हुए आज हम लोगों ने डेट फिक्स नहीं किया। आज नोटिस सर्व करना था, हमने नोटिस स्ट्राइक का डेट दे के नहीं देंगे, लेकिन स्ट्राइक का कॉल मेरा रहेगा। स्ट्राइक का कॉल मैं उठाता नहीं हूँ। अगर 1 महीने के अंदर में रनिंग अलाउंसेस के ऊपर अगर कोई विचार नहीं किए, फेवरेबल डिसीजन नहीं दिए, तो हम हड़ताल में जाएँगे। परिस्थितियों को नज़र में रख के हम डेट फिक्स करेंगे और हड़ताल। 1 वर्ष का लगभग आज 3,500 लोको रनिंग स्टाफ, लोको पायलट असिस्टेंट, लोको पायलट अपने पहले की सूचना के आधार पे आज यहाँ पर रैली के माध्यम से रेलवे बोर्ड को हड़ताल की नोटिस देने के लिए आए थे। हमारी जो डिमांड थी, जो हमारा रेलवे लोको पायलट्स के टीए के बराबर हमारा माइलेज रेट होता है, इस माइलेज रेट का एक फार्मूला है जो RSC 1980 का फार्मूला है। उस फार्मूले से हमारा माइलेज रेट विगत 2 वर्ष हो गए 7 CPC के आए हुए, अभी तक हमारा रेट फिक्स नहीं हुआ। हमारे जो है हाई पावर कमेटी की जो रेलवे की सेफ्टी की रिपोर्ट है, वो आज तक लागू नहीं हुई। हमारे ड्यूटी आवर्स आज भी 14-15 घंटे हो रहे हैं। हमारे कैटेगरी में काफ़ी वैकेंसीज हैं, पद खाली हैं, काफ़ी अनसेफ वर्किंग हो रही है। इन सवालों पर हम लोगों ने पहले नोटिस दे रखा था और हम आज हड़ताल की नोटिस देने आए थे, बट हमारे सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि अभी देश में जो स्थिति है, पूरे देश के लोग सदमे में हैं, जो हमारे CRPF के जवानों पर हमला हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हम नहीं चाहते हैं कि हड़ताल करके देश की जनता को किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट करें। हम आज इस बात की नोटिस देने जा रहे हैं कि जो हमारी ये मांगे हैं, उसको 1 महीने के अंदर अगर पॉजिटिवली इसको अगर डिस्पोजल नहीं किया जाएगा, तो 1 महीने के बाद हम फिर यहाँ पर आएंगे और हड़ताल का डेट तय करके हम भारत सरकार को नोटिस देंगे और निश्चित रूप से हम रेल का चक्का जाम करेंगे। इसलिए कि हमने अपनी मांगों के सवाल पर पिछले 2 वर्षों में 36 घंटे का भूख हड़ताल, 48 घंटे का भूख हड़ताल, कई बार डेमोस्ट्रेशन दिया, धरना, प्रदर्शन, अनशन, यहाँ तक कि रेल मंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से डेलीगेशन हमारा मीट किया, बट ये सरकार, रेल मंत्रालय हमारी बातों को बिल्कुल नहीं सुन रही है। इसलिए हमारे पास हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं है। प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए हमने 1 महीने के लिए अपने डिसीजन को टाल दिया है। इसकी सूचना आज हम अपने नोटिस के माध्यम से रेलवे बोर्ड को देने के लिए आए हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। मैं सेक्रेटरी जनरल इसी रेलवे AK राउत।